तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस सर्विस के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनेंस सर्विस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.45% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1724 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1742, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1813, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1907 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1950 और 2000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1691 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1662 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1634 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।